हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल मखनी की रेसिपी। तो दाल मखनी की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था कि एक कप जो ब्लैक वाली दाल होती है उसके साथ एक मुट्ठी सोयाबीन मैंने रात में सोख कर लिया था। आप इसके सोयाबीन की जगह पे आप राजमा या चने की दाल भी सोख कर सकते हैं। तो ये अच्छे से अब सोख हो चुका है, तो अब चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रोसेस। अब जो दालें थी उसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है और उसमें मैं 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी, उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे, और यहाँ पर सॉल्ट, और यहाँ पे ऐड करूंगी मैं एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता। जो बड़ी इलायची और तेज पत्ता है ये दाल में बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर देता है। अब हम इसको 3 से 4 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो करके 2 से 3 सीटी और ले लेंगे। अब यहाँ जो दाल है हमारा वो अच्छी तरह से गल चुका है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए पूरी अच्छी तरह से गल चुका है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हल्के हाथों से हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। अब यहाँ तड़के के लिए मैं क्या करूँगी कि एक पैन ले लिया है और उसमें मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। घी से जो है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और वैसे आप इसे ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं। अब घी को हम गर्म होने देंगे। अब घी हमारा यहाँ गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब ज़ीरा जब हमारा अच्छे से स्प्लैटर हो जाएगा तो हम उसमें अनियन ऐड करेंगे। अनियन हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे, हमने अनियन को जो है फाइनली चॉप किया हुआ है। अब अनियन को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि एक हमें प्योरी बनाना है। तो प्योरी के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ 2 टमाटर हमने मिक्सर जार में ऐड किया है, उसके बाद मैं ग्रीन चिली ऐड करूँगी और गार्लिक क्लोव्स जो कि मैंने 3 से 4 लिया है, और इसको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। हमारी प्योरी कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई है। मीनवाइल हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि कलर इसमें हल्का हल्का चेंज हो रहा है, तो हमें इसे गोल्डन होने तक भुनना है। अब अनियन जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। उसमें मैंने सबसे पहले टर्मरिक ऐड किया है, गर्म मसाला ऐड किया है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और सॉल्ट हम टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने दालों को बॉईल करने में भी डाला था। तो अब ये सब डाल के हम इसको अच्छे से बस 1 मिनट भूनेंगे। ध्यान रहे कि ये मसाला हमारा जले नहीं, क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है। अब यहाँ पे जो हमने प्योरी बनाई थी उसको ऐड कर देंगे। अब हमें इसे इसका रॉ स्मेल जाने तक हमें ये प्योरी को भूनना है। मसाला हमारा भून रहा है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम दाल मखनी बना रहे हैं, तो जो कि मक्खन के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा क्यूब मक्खन का ऐड कर दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें जो हमारा ऑयल भी है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब ये दाल जाने के लिए बिल्कुल तड़का तैयार है। तो अब हम अपना क्या करेंगे कि जो दाल हमने बॉईल किया था वो धीरे धीरे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कलर आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत कलर आया है हमारे दाल मखनी का। अब दाल जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो जो दाल का पूरा पानी था हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपने अपने अनुसार आप रखेंगे, अगर आपको ड्राई रखना है कि पतला रखना है तो। और अब इसको हम क्या करेंगे कि 5 से 7 मिनट इसको स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम यहाँ पर धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे।
ताकि धनिया का पूरा फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। अब हमें इसे धीरे धीरे पकाना है। अब दाल मखनी जो है हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और पराठे या नान के साथ या ज़ीरा राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ इसको हम इंजॉय करेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, आप प्लीज़ कमेंट करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।